الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। मेरे मुअज्जज़ और मोहतरम सामईन किराम, माह रमज़ान की आज 24 तारीख है। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है शान सहाबा किराम अलैहिम रिदवान। मेरे मुअज्जज़ सामईन, इस बात को ज़हन नशीन रखें कि असल में बरकत है सारी हुजूर अलैहिस्सलाम की प्यारी निस्बत की। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस भी शय की निस्बत हो जाए वो मकाम में अरफा व आला हो जाती है। अब वो निस्बत जगह की हो तो अल्लाह तबारक व ताला उस जगह के मुतालिक कसम इरशाद फरमाता है, फरमाया ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। रब्बुल आलमीन कसम इरशाद फरमाते हुए फरमाता है मुझे कसम है इस शहर की। उससे क्या मुराद है? शहर मक्का। मुफस्सरीन यहां कलाम करते हुए फरमाते हैं मालिक करीम शहर मक्का की कसम तो क्यों इरशाद फरमाता है? क्या इसलिए कि इसमें बैतुल्ला है, या इसलिए कि इसमें मताफ है, या इसलिए कि इसमें मस्जिदुल हराम है, या इसलिए कि यहां सफा मरवा है, यहां अराफात है, मिना है, मुजदलिफा है? जवाब आता है नहीं। किसी भी बात की वजह से मैं कसम नहीं फरमा रहा, कसम इसलिए फरमाता हूं वह अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, महबूब इस शहर में तू रहता है इसलिए मैं शहर की कसम इरशाद फरमा रहा हूं। तो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत होती है शहर मक्का की तो रब उसकी कसम इरशाद फरमाता है। एक और मकाम कुरान करीम का अर्ज करता हूँ। अल्लाह तबारक व ताला एक मकाम पर घोड़ों की कसम फरमाता है, बल्कि घोड़ों के सुम की। सुम की ही नहीं बल्कि घोड़े का सुम जब पत्थर पे लगता है तो चिंगारी निकलती है, रब ताला उसकी भी कसम इरशाद फरमाता है। और वो घोड़ा जब राहे खुदा में जिहाद के लिए अपने ऊपर मुसाफिर को लेकर दौड़ता है और दौड़ने की वजह से हांफता है और उसकी जो सांस निकलती है मेरा मौला उसकी भी कसम इरशाद फरमाता है। फरमाता है वल आदियाति दबहा फल मूरियाति कदहा फल मुगीराति सुबहा फअसरना बिही नकआ। मुफस्सरीन फरमाते हैं यहां मुराद किसी आम घोड़े की कसम नहीं फरमाई जा रही, बल्कि उस घोड़े की कसम है जो घोड़ा महबूब के गुलाम की सवारी बना हुआ है, उसके ऊपर बैठा है मेरे महबूब का गुलाम यानी सहाबी रसूल, और वो अल्लाह का कलिमा बुलंद करने के लिए जिहाद के लिए जा रहा है। रब ताला फरमाता है मुझे उस घोड़े के सुम की कसम है जिस पर मेरे महबूब का गुलाम बैठा हुआ है। गौर तो करें यार, कितनी दूर की जो है ना वो निस्बत है। घोड़े को निस्बत हुई उस सहाबी से, सहाबी को निस्बत हुई हुजूर से, तो अब उस घोड़े का जो सुम है पांव खुर, उस खुर को भी मेरा मौला फरमाए वल आदियाति दबहा। तो फिर सोचो ना यार कि असल में जो बहार है वो सारी की सारी हुजूर की निस्बत है। फिर इसी तरह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा खानदान, हुजूर के अहले बैत, हुजूर अलैहि सलाम की मुबारक आल, उनकी अजमत की वजह भी यही है कि उनको निस्बत है मेरे मुस्तफा से। वो हुजूर के लख्ते जिगर हैं,
वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का खून है, वो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार हैं, तो अल्लाह ताला उनके बारे में फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुमुर रिज्स अहलल बैत। नबी के घर वालों, अल्लाह ये चाहता है कि तुमसे हर तरह की पलीदी को दूर फरमा दे। बहार सारी की सारी हुजूर की निस्बत की है। जिस शय से मेरे आका की निस्बत हो जाती है उस शय का मकाम अरफा ओ आला हो जाया करता है। जी हाँ, हुजूर की बारगाह में आए थे तो अकेले अबू बकर थे, लेकिन मुस्तफा की निस्बत ने सिद्दीक अकबर बना दिया। आए थे तो उमर बिन खत्ताब थे, मेरे मुस्तफा की निस्बत ने फारूक आजम बना दिया। अरे जब आए थे तो उस्मान इब्ने अफ़ान थे, हुजूर की निस्बत ने ज़िनुरैन बना दिया। आए थे तो अली बिन अबी तालिब थे, मुस्तफा की निस्बत ने शेरे खुदा बना दिया। आए थे तो वो बिलाल हबशी थे, गुलाम थे, रंग के भी काले थे, लेकिन हुजूर से निस्बत हुई तो अब मकाम ये है कि हुजूर ने उन्हें काबे की भी छत पे चढ़ा दिया। तो बहार सारी की सारी हुजूर की निस्बत की है। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम से निस्बत हुई सहाबा किराम की, हुजूर के गुलामों की, हुजूर के यारों की, हुजूर पर जाने फिदा करने वालों की, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके मुतालिक कुरान करीम में क्या फरमाता है। सहाबा किराम अली मर्दवान के इब्तिदान हैं दो गिरोह, वो लोग जो मक्के शरीफ में इस्लाम लाए और कुफार की तकालीफ की वजह से उन्होंने शहर मक्का को छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, बीवी बच्चे छोड़ दिए, मालो असबाब छोड़ दिया, सिर्फ अल्लाह के रसूल के लिए, दीन इस्लाम के लिए हिजरत कर गए, उन्हें मुहाजिर कहा जाता है। और वो सहाबा जो थे मदीने में, उन्होंने आने वालों को वेलकम किया, आने वालों की मदद की, आने वालों को अपना भाई बनाया, सीने से लगाया, हत्ता के अपने घर के सारे सामान के दो हिस्से किए, आधा अपने मुहाजिर भाई को दे दिया, आधा खुद रख लिया। तो इन्हें कहा जाता है अंसार सहाबा, जो मक्के से आए वो मुहाजिर, जो मदीने में थे वो अंसार। मेरा मौला इन दोनों के मुतल्लिक क्या फरमाता है, सुनिए। सूरह अनफाल है, पारा नंबर 10 है, आयत नंबर 72 है। क्या फरमाता है मेरा मालिक करीम, फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनु व हाजरु व जाहदु बि अमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह। बेशक वो लोग जो ईमान लाए, पहला काम क्या है, ईमान, व हाजरु फिर हिजरत की, व जाहदु और जिहाद किया, भी अमवालिहिम व अनफुसिहिम जहां माल की जरूरत पेश आई माल पेश कर दिया, जहां जान देनी पड़ी वहां जान पेश कर दी। आगे फरमाया वल्लज़ीन आवौ, और वो लोग जिन्होंने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और उनके गुलामों को वेलकम किया, इस्तकबाल किया, व नसरू और इनकी मदद की, और इनकी मदद की, अल्लाह तबारक व तआला इनके लिए क्या फरमाता है, उलाई का ये वो लोग हैं जो पक्के मोमिन हैं। ये वो लोग हैं जो क्या हैं, पक्के मोमिन हैं, जिनके ईमान की गवाही मेरा रब इरशाद फरमा रहा है, पक्के मोमिन हैं। और इनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पास से रिज़्क करीम भी तैयार किया हुआ है, और इनके लिए रब ने जन्नत भी तैयार किया है। और फरमाएं जरा, असल में मैं समझाना ये चाहता हूँ, किसी भी मौके पर जब सहाबा किराम का जिक्र हो, जिस भी शख्सियत के साथ इतना लग जाए ना कि ये हुजूर के सहाबी हैं, तो हर मोमिन को चाहिए कि अदब से उसकी निगाह झुक जाए। बस मेरे लिए इतना ही काफी है कि ये हुजूर के सहाबी हैं, और जो सहाबी हैं उनके लिए अल्लाह फरमा रहा है उलाइका मुमिनून हक्का, ये वो लोग हैं जो क्या हैं, पक्के मोमिन। मेरे तेरे ईमान के मुतल्लिक कुरान गवाहियां नहीं दे रहा, कुरान किन के ईमान की गवाहियां दे रहा है, सहाबा के ईमान की। ये क्या है, फिर बोलिए, पक्के मोमिन, पक्के मोमिन। और अल्लाह इनके लिए जन्नत के वादे फरमा रहा है, और मेरा रब इनके लिए रिज़्क़े करीम के वादे फरमा रहा है। अगर किसी सहाबी के बारे में अहदीस में फजाइल ना भी आए हो,
तो क्या ये कम है कि रब ने उन्हें हुजूर का सहाबी बनाया? ये थोड़ी फजीलत है, ये इतनी बड़ी फजीलत है कि इस फजीलत जैसी और कोई फजीलत नहीं। उलमा ने क्या लिखा, फरमाइए, फरमाते दुनिया में गौस बन सकेंगे अल्लाह के बहुत बड़े बड़े वली, बड़े बड़े अब्दाल आ जाएंगे, कुतब आ जाएंगे, लेकिन रहती दुनिया तक अब सहाबी कोई नहीं बनेगा। रहती दुनिया तक अब सहाबी कोई नहीं बनेगा। जी हाँ, वजह क्या है? वजह यही है कि गौसे आजम तो बन जाएगा, कुतब तो बन जाएगा, अब्दाल तो बन जाएगा, नमाजी भी हो जाएगा, हाजी भी हो जाएगा, गाजी भी हो जाएगा, लेकिन सहाबी नहीं बनेगा, क्योंकि सहाबी होता ही वो है जिसने ईमान की हालत में मुस्तफा की सोहबत हासिल की है, उसे सहाबी कहा जाता है। और ये इबादत के ईमान की हालत में हुजूर के चेहरे को देखना, ईमान की हालत में हुजूर की सोहबत को पाना, ये इतनी बड़ी इबादत है कि इस इबादत के मुकाबले दुनिया की कोई इबादत नहीं हो सकती। जी हाँ, उलमा फरमाते कि वो सहाबी के जिन्होंने सिर्फ हुजूर की बारगाह में आकर कलिमा पढ़ा, बस एक भी नमाज नहीं पढ़ी, एक भी रोजा नहीं रखा, कोई इबादत नहीं की, जिहाद में भी शिरकत नहीं की, सिर्फ आए सरकार की बारगाह में कलमा पढ़ा और वापस जा रहे हैं, रस्ते में जाते हुए उनका इंतकाल हो गया। उलमा फरमाते पूरी दुनिया के गौस कुतब मिल जाएं, उसके दर्जे को नहीं पहुंच सकते, क्योंकि रब ने उसे जो इबादत करवाई है ये इबादत सबसे बड़ी इबादत है। एक भी नमाज नहीं पढ़ी, एक भी रोजा नहीं रखा, कोई भी नेकी नहीं की, सिर्फ एक ही नेकी की है कि ईमान की हालत में हुजूर के चेहरे की ज़ियारत की। तो सहाबा किराम का जब भी जिक्र किया जाए एहतराम से किया जाए, अदब से किया जाए। क्यों? हम हैं अहले सुन्नत, में बार बार ये जुमला कहा करता हूँ, हम अहले सुन्नत हैं, अल्लाह का शुक्र है। और अहले सुन्नत होते ही वो हैं जब हुजूर की आल का मकाम आए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वो भी डंके की चोट पर बयान करते हैं, और जब हुजूर के सहाबा की बात आए तो फिर हम सहाबा का भी प्रचार बड़े जोरों शोर से करते हैं। हमारे एक हाथ में दामन सहाबा है और दूसरे हाथ में दामन अहले बैत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कल जुमे पर भी मैंने ये हदीस जिक्र की थी, आज फिर अर्ज करता हूँ, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह अल्लाह असहाबी, मेरे सहाबा का जिक्र करते हुए अल्लाह से डरो, मेरे सहाबा का जिक्र करते हुए क्या करो, अल्लाह से, बोलिए अल्लाह से डरो। फिर फरमाया, तुम में से कोई बंदा अगर उहुद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करे और मेरा सहाबी मुट्ठी भर जाओ, कितने जाओ, मुट्ठी भर जाओ खैरात करे, फरमाया सवाब एक जैसा नहीं मिलेगा, अल्लाह मेरे सहाबी को तुमसे ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। यही तो वजह फजीलत है कि हम सारी जिंदगी भी नेकियां करते रहे तो हम उनकी नेकियों को नहीं पहुंच सकते, हम उनकी गर्दे राह को भी नहीं पहुंच सकते, हम जितने भी बड़े नेक हो जाएं हम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें जो मकाम दिया है उस मकाम को कहा जाता है मकाम सहाबिया। और उनका मकाम कुरान एक और मकाम पे बयान फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता है, रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन, अल्लाह उनसे राजी और वो अपने रब से राजी, वअअद्दा लहुम जन्नात, और रब ने इनके लिए तैयार कर रखी है जन्नतें, बागात, उन बागात के नीचे बहती हैं नहरें, खालिदीन फीहा, उन बागात में, उन जन्नतों में ये रहेंगे हमेशा हमेशा, ये रहेंगे हमेशा हमेशा। यहाँ ये मसला भी अर्ज कर दूं, हुजूर अलैहिस्सलाम का हर सहाबी जन्नती है, हुजूर का हर सहाबी, बल्कि नारा लगाइए मेरे साथ मिलके, हर सहाबी ये नबी, ऊंची आवाज से, हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी, मेरे आका अलैहिस्सलाम का हर सहाबी जन्नती, कतई जन्नती है, उनके जन्नती होने में किसी किस्म का कोई शक नहीं किया जा सकता। फिर हदीस पाक सुनिए, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है, क्या फरमाया, सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है, फिर वो जो इसके साथ मिला हुआ, फिर वो जो इसके साथ मिला हुआ, तीन को हुजूर ने बेहतरीन जमाना कहा। तो हुजूर का जमाना हुआ सबसे बेहतरीन, हुजूर के जमाने में ही है कौन, सहाबा, फिर हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद है सहाबा का जमाना, सरकार ने उसको भी बेहतरीन फरमाया, फिर है ताबईन का जमाना, मेरे आका ने उसको भी बेहतरीन फरमाया,
और एक मकाम पर फरमाया एक वक्त आएगा लोग जिहाद करने के लिए जाएंगे और उनसे पूछा जाएगा क्या तुम्हारे अंदर कोई सहाबी है, कोई ऐसा बंदा है जिसने हुजूर का दीदार किया था। बताया जाएगा हाँ हमारे अंदर सहाबी हैं, उन सहाबा की वजह से अल्लाह ताला मुसलमानों को फतह अता फरमा देगा। बैतुल मुकद्दस जब पहली बार फतह हुआ था, आपने अगर तारीख पढ़ी हो, सीरत पढ़ी हो, तो हजरत उमर के सिर्फ नाम से फतह हो गया था। हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा कहते हैं काफी अरसा हो गया था हमें मुहासरा किए हुए, फतह नहीं हो रही थी। हत्ता के ईसाइयों का जो जो है ना पादरी था वो चढ़ा मुंडेर पर और वो कहने लगा मुसलमानों मैंने सब कुछ किताबों में पढ़ा है, तुम बस इतना करो अपने हाकिम को ले आओ, जब वो हमारे सामने आएगा तो हम खुद ब खुद ही उसके लिए दरवाजे खोल देंगे। तो हजरत अबू उबैदा गए, उन्होंने कहा नहीं तेरे अंदर वो निशानियां नहीं पाई जा रही जो निशानियां हमारी किताब में लिखी हुई थी। इन्होंने कहा फिर ये अमीरुल मोमिनीन को चाहते, हजरत उमर को बुलवाया गया। हजरत सैयदना फारूक आजम जब उनके सामने गए तो देखते ही वो पादरी पहचान गया और पहचान कर उन्होंने दरवाजे खोल दिए और उन्होंने कहा मुसलमानों को हम वेलकम करते हैं, हुजूर के सहाबी आए हैं और ये वो बातें हैं जो अल्लाह ने तौरात और इंजील में तहरीर फरमा दी है, जिनका जिक्र तौरात और इंजील में भी हो, जिनका जिक्र कुरान करीम में भी हो, कुरान जिनको पक्के मोमिन कहे, कुरान करीम जिनके मुतल्लिक फरमाए कि अल्लाह ने इन सब के साथ जन्नत का वादा फरमा लिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस जिनकी शाने बयान करें। और फिर मैं ये जुमला दोहराता हूँ, हम पहले भी इस बात को कह चुके हैं कि हमारे नज़दीक फजीलत का मयार है हुजूर की निस्बत। फजीलत का मयार क्या है? हुजूर की निस्बत। तो जब निस्बत हो गई इन्हें अल्लाह के प्यारे हबीब से तो इनका मकाम अरफाओ आला हो गया, इनका मकाम बुलंदो बाला हो गया। जब भी जिक्र किया जाए मुस्तफ़ा करीम के सहाबा का अदब से किया जाए, एहतराम से किया जाए, सहाबा के मुतल्लिक कभी भी कोई कमजोर बात करने की इजाजत नहीं। जो करेगा अपने ईमान की उसे फिक्र होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि मरते वक्त वो बंदा ईमान से खाली हो जाए। एक हदीस पाक सुनाकर गुफ्तगू समेटता हूं। एक जनाजा नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में लाया गया और हुजूर से अर्ज किया गया या रसूलल्लाह इसका जनाजा पढ़ाएं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम जाके पढ़ो, मैं नहीं पढ़ता। तिर्मिजी शरीफ की हदीस है। सहाबा बड़े परेशान हो गए, या रसूलल्लाह क्या मसला है, क्यों नहीं पढ़ते? सुनिएगा जुमला, फरमाया मैंने सुना है ये मेरे उस्मान से बग़्ज़ रखता है, मैंने सुना है ये मेरे उस्मान से, बोलो जरा, मेरे उस्मान से बुग्ज़ रखता है, जो मेरे उस्मान गनी से बुग्ज़ रखे मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह उसका जनाजा नहीं पढ़ूंगा। आज किसी मौके पर अगर हम कह देना कि हम नहीं फलां जनाजे में शरीक होंगे तो लोग बड़ी बातें शुरू कर देते, मौलवियों ने फिरके बनाए हुए, मौलवियों ने आया किता है, मौलवियों ने आया किता है। ओ भाई मयार हुजूर की जात है, जो मेरे नबी को कहे मर के मुर्दा हो गए, जो मेरे नबी को कहे दीवार के पीछे का भी पता नहीं, जो मेरे नबी के सहाबा के बारे में बकबक करे, जो उम्महातुल मोमिनीन के बारे में बकबक करे, आप कहते हो उसका जनाजा पढ़ू, क्यों पढ़ू मैं उसका जनाजा? मेरे नजदीक मोहब्बत भी है तो अल्लाह के लिए और अगर नफरत भी है तो अल्लाह के लिए। जन्नती जी हाँ, मयार हुजूर की निस्बत है। जब निस्बत हुजूर से हो जाए तो वो हमारे नज़दीक मकाम में अरफाओ आला हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम को समझने की अमल करने की तौफीक दे।